भारत को कृषि कर्मों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ की प्रकृति, भूमि, विभिन्न ऋतुएं और अमृत जल से सिंचित नदियाँ भारत की स्वर्ण भूमि को उपजाऊ बनाती है। परंतु इसके विपरीत आधुनिक तकनीकों, रासायनिक खाद, जहरीले कीटनाशक और प्रदूषण के समावेश की वजह से हमारी भूमि के साथ अनउपजाऊ बनती चली गई, जिसकी वजह से पहले खेत से उपजने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर लगातार निचला हो रहा है, जिसके कारण पहले न दिखने वाली न कभी सुनाई देने वाली सभी बीमारियां आज हर घर में पनपती देखी जा रही है, जिसमें प्रमुखता से डायबिटीज, हार्ट डिजीज, अर्थराइटिस, किडनी की परेशानियां और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां आम हो रही है। इस अत्याधुनिक एवं अनियमित जीवन शैली के अनुचित कारणों से होने वाली बीमारियों से बचने का एक बहुत ही श्रेष्ठ समाधान के साथ इन सब से बचने का एकमात्र समाधान अमलतास लाए हैं। हमारे कृषकों के लिए अमलतास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिनमें है आपका ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर ग्रीन वंडर। अरे रामलाल, इस बार तुम्हारी उपज में इतना सुधार कैसे? ये राज हमें भी बताओ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। देख राजन, आसान सी बात है। पहले मैं रासायनिक खेती करता था, उससे मुझे इतना ज्यादा फसल में उपज नहीं मिल पाता था। जब से मैंने अमलतास का ग्रीन वंडर इस्तेमाल करना चालू किया है, मेरी फसल काफी ज्यादा फायदेमंद और काफी ज्यादा उपजाऊ हो गई है। ऑर्गेनिक खेती के लिए मेरा सुझाव अमलतास का ग्रीन वंडर। बीज बोते समय 50 से 60 किलोग्राम बीज में मिलाकर उपयोग करें। टपकाव एवं बौछारी सिंचाई के समय 1 एकड़ में 2 लीटर ग्रीन वंडर को इस्तेमाल करें। छिड़काव और फसल वृद्धि के समय 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रयोग करें, तभी इसका उचित लाभ मिलेगा। ग्रीन वंडर मिट्टी संरचना, वायु संचार तथा जल धारण क्षमता बढ़ाने के साथ साथ भूमि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाता है। ग्रीन वंडर सभी प्रकार के उत्पादन की वृद्धि में सहायक है। हमारी भूमि को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड, अमीनो नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर और बोरोन का प्राकृतिक स्रोत, जो कि ग्रीन वंडर से अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है, जिसका मुख्य स्रोत सभी सब्जियों से लिया गया है। ग्रीन वंडर से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है, मनुष्यों और मवेशियों के लिए भी 100% सुरक्षित है ये ग्रीन वंडर, क्योंकि ये रसायन मुक्त और गैर जहरीली है। इसका नियमित उपयोग कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार करता है और फसलों की पैदावार में वृद्धि लाता है। ये पर्यावरण अनुकूल है और परिस्थिति के अनुसार संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या आपके पास कीड़े और इल्लियों को खत्म करने का उपाय है? बिल्कुल है मेरे भाई, अमलतास के ग्रीन वंडर के उपयोग से फसल में काफी उपज उत्पन्न होता है। उसी के अमलतास इलेक्ट्रा के उपयोग से कीड़े और मकोड़ों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। तो भाई, इसका उपयोग कैसे करें? भाई, अमलतास इलेक्ट्रा बहुत ही कारगर और लाभदायक उपाय है। इसको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml मिलाकर फसलों और पत्तों पर छिड़काव किया जाता है, जिससे 3 से 4 घंटे के अंदर कीड़े और इल्लियों से निजात मिल जाता है। तो भाई ये बताओ कि जो पत्तों और फसलों में बीमारियां लग जाती है, उसका कोई इलाज है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई, अमलतास का मास्क प्लस। मास्क प्लस की खासियत ये है कि ये फसलों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक है। प्लांट फिट, ब्लास्ट, पाउडरी फफूंदी, एंथ्राक्नोज, डाउनी फफूंदी, फाइटोप्थोरा, ब्लिस्टर ब्लाइट इत्यादि जैसे फंगल रोगों को रोकने और ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक उत्पाद है। मास्क प्लस पौधे को पोषण युक्त बनाता है और ये हर्बल आधारित संयंत्रक रक्षक है। पत्तों पर दाग, फलों, सब्जियों, बागान, अनाज, बगीचे, सजावटी फूलों और फसलों की सुरक्षा करता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण फूलों और फलों की रक्षा करते हैं। एक पंप में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। 10 से 15 दिनों के अंतराल में स्प्रे दोहराएं। बस काम हो गया समझो।
मास्क प्लस उपयोग करने से बाजार के विभिन्न रासायनिक एवं जहरीले कीटनाशकों से अपनी भूमि और फसल को बचा सकते हैं। मास्क प्लस पर्यावरण, मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी सुरक्षित और हानि रहित है। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। मास्क प्लस को सुरक्षा के तौर यानी कि सुरक्षा कवच के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए नया भारत बनाएं। अमलतास के साथ ऑर्गेनिक खेती अपनाएं।